हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव, और क्या आप अपने बाबू या बेबी के हो? अगर हाँ तो तथास्तु, आपका ये सपना जल्दी पूरा होगा, पर कैसे वो आगे बताऊंगा। उसके पहले आप मुझे ये बताओ, क्या आपको ये पता है सच्चे प्यार की निशानी ताजमहल को उसकी सुंदरता बनाए रखने के लिए औरतों वाला ब्यूटी ट्रीटमेंट दिया जाता था, जैसे स्क्रब पैक एंड ऑल? आई मीन सीरियसली। एंड कौन है वो इंसान जिसके आंखों से आंसू नहीं बल्कि कलर्स निकलते हैं, और वो उन्हीं से पेंटिंग भी करता है? वेल, अगर जानना चाहते हो इन सभी बातें की सच्चाई, तो बने रहो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक और सुनते रहो सारे सवालों के जवाब। इन आवर टुडेज फैक्ट की बातें। नंबर वन, आई पेंटिंग। अब भाइयों, ये है टाइम पर वो बोर होने लग गए, सो उन्होंने सोचा कि कुछ यूनिक ट्राई करते हैं, और ये उसका हल निकल आया। वेल, लेकिन बात ये ना कि लियोनार्डो के इस अनोखे तरीके से बनाई हुई पेंटिंग्स आज वर्ल्ड फेमस हो चुकी है। नंबर टू, कोक की दीवानी। अब आलोक, कभी सोचा है क्या होगा अगर तुम पानी छोड़ के जिंदगी भर कोक पियोगे तो? अब यार, पर्सनली मैं तो कोक एडिक्टेड हूं ही, एक दिन में एक बार कोक तो हो ही जाता है। के लिए कहानी सुनो जो है इंग्लैंड में रहने वाली सिरीन केल की, जिसने 11 साल की उम्र से पानी छोड़ के सिर्फ और सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स पीकर गुजारा करना शुरू कर दिया, और दिन का डेली वाटर रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के लिए वो 2 से 3 लीटर कोक पीती थी। लेकिन इस वजह से उसे वाटर के साथ साथ काफी सारे कैलोरीज भी मिलते थे। अब कोक में तो शुगर्स होते हैं, राइट? एंड एज यू नो, हाई कैलोरीज लीड टू डिप्रेशन, एंग्जाइटी और वजन बढ़ना। लेकिन अब भी किसी भी स्नैक या मील के साथ उन्हें कोक पीने की तलब लग ही जाती है, पर शी इज वर्किंग ऑन इट, और धीरे धीरे करके छोड़ रही है। अब छोड़ के क्या फायदा, अब तो कोक पीने के सिवा और कोई चारा भी नहीं बचा, दांत जो नहीं है। नंबर थ्री, पेट्रोल गिफ्ट। ये शादी का नजारा है तमिलनाडु का, जहाँ पर कुछ दोस्तों ने पेट्रोल का भाव 100 रुपीज पर लीटर और एलपीजी गैस सिलेंडर का भाव 900 रुपीज होने के बाद इस न्यूली वेडेड कपल को एक पेट्रोल का कैन और एक एलपीजी गैस सिलेंडर गिफ्ट किया, क्योंकि ये लोग दुनिया को दर्शाना चाहते थे कि अब नॉर्मल यूटिलिटीज का भाव ही इतना बढ़ गया है कि तुम उसे लोगों को महंगी चीजों के नाम पे दे सकते हो। नंबर फोर, स्पेस होटल। भाइयों, तुम्हारे लिए स्पेस में बनाया जा रहा है एक 5-स्टार होटल, जहां अंबानी के बच्चे ही नहीं बल्कि मिडिल क्लास गजोदर भैया के बच्चे भी जा सकते हैं। जी हाँ, इस स्पेस स्टेशन का प्रपोजल लेकर आई है ऑर्बिट असेंबली कॉर्पोरेशन, जो कि एक डिजाइनर कंपनी है जो 2026 में इस होटल को बनाने का काम शुरू कर देगी, और इसमें ये लोग स्पा, स्विमिंग पूल, फूड, पब, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट से लेके प्राइवेट रूम्स तक सारी की सारी सुविधाएं देंगे। और फाइनली 2027 तक इस होटल को बनाकर तैयार कर दिया जाएगा, जिसका नाम है वॉयेजर क्लास स्पेस स्टेशन। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये होटल्स ये सारी सुविधाएं स्पेस में बिना ग्रेविटी के कैसे दे पाएंगे? अब भाई, ऑफकोर्स अगर तुम्हारे मन में ये सवाल आ रहा है तो उनके मन में भी आया होगा, और तुमसे पहले उन लोगों ने भी दिमाग लगाया होगा। वेल, ये होटल बिना ग्रेविटी के स्पेस में गोल गोल घूमता रहे, इसके लिए इस होटल को एक जायंट व्हील के शेप में बनाया जाएगा, और होटल के अंदर लोग खाते हुए, सोते हुए या डांस करते हुए इधर उधर ना उड़ जाए, इसके लिए वहां पर आर्टिफिशियल ग्रेविटी भी जनरेट की जाएगी। और इसके अलावा अगर वहां पर अचानक से कोई टेक्निकल इशू आ गई, उसे ठीक करने के लिए उस होटल में नासा के कुछ साइंटिस्ट भी होंगे। हालांकि इसके प्राइस को लेकर कोई खुलासा नहीं किया गया अब तक, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि इसका प्राइस मिडिल क्लास लोगों को ध्यान में रखते हुए डिसाइड किया जाएगा। वेल, क्वाइट इंटरेस्टिंग, राइट? मे बी हम इस जिंदगी में स्पेस में जाके आए। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरी तरह ही क्रिकेट के फैन हो तो मैं आपका स्ट्रगल समझ सकता हूँ। यार, मुंबई में तो लॉकडाउन चल रहा है, क्रिकेट खेले तो कैसे खेले? वेल, बिल्कुल टेंशन नहीं, घर बैठकर भी आप क्रिकेट खेल सकते हो। माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करने का और खेलने का। इस ऐप पर आप अपने क्रिकेट के नॉलेज और स्किल से करोड़पति बन सकते। हाँ भाई, और करना ज्यादा कुछ नहीं है, बस इसकी तरह माई 11 सर्कल पे एकदम आसानी से कोई भी 11 प्लेयर्स, जिसमें सौरभ गांगुली, वॉटसन और रशीद जैसे वर्ल्ड चैंपियंस भी है, उनमें से चूज करके अपनी एक क्रिकेट टीम बनानी है, आप करोड़पति बन सकते हो। और फिलहाल इंडियन T20 लीग के फीवर के कारण तुम हर हफ्ते जीत सकते हो 1 करोड़ रुपीज। वैसे तो ज्वाइन करने पर आपको 1500 रुपीज का वेलकम बोनस मिलता ही है, पर सिर्फ मेरे व्यूअर्स को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करने पर 20% एक्स्ट्रा कैश भी मिलेगा। एंड फिकर नॉट, ये ऐप काफी सिक्योर है और इसीलिए सारा पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो अब रुके क्या हो, गो डाउनलोड द ऐप, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एंड एट योर ओन रिस्क। नंबर 5, घोस्ट आर्मी। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यूएस ने नाजी से लड़ने के लिए घोस्ट आर्मी रेडी की थी, वो भी एक या दो भूतों की नहीं बल्कि पूरे 1100 भूतों की। अब जैसे कि हम जानते हैं, ये नाजीज ने सभी के नाक में दम करके रख दिया था, जो सेम हालत थी यूएस की भी। एंड यूएस बीइंग द सुपर पावर नेशन, वो हिटलर के हाथों हारना बिल्कुल नहीं चाहते थे, और इसीलिए उन लोगों ने दौड़ाया अपना दिमाग और खड़ी कर दी घोस्ट की फौज।
सुनो ये इंटरेस्टिंग है। उन्होंने साउंड इंजीनियर्स की मदद से डरावनी आवाजें रिकॉर्ड की, नकली फुट्टों के बने बड़े बड़े टैंक्स बनाए, फेक रेडियो सिग्नल्स बनाए और अपने सोल्जर्स को डरावने कपड़े पहना दिए, यू नो जैसा वो स्कूबी डूबीडू में होता था। और लो, हो गई घोस्ट आर्मी तैयार। अब एग्जीक्यूशन टाइम में एक दिन रात के घने अंधेरे में बड़े बड़े स्पीकर्स की मदद से इन्होंने वो सारी डरावनी आवाजें स्पीकर्स से बजाना शुरू कर दिया। रेडियो सिग्नल्स की मदद से नकली डरावने सिग्नल्स भेजने शुरू कर दिए और जंगल के बीच में वो बड़े नकली टैंक्स खड़े कर दिए और सोल्जर्स को हैलोवीन कॉस्ट्यूम्स पहनाकर बोल दिया हल्ला बोल। एंड आप मानोगे नहीं, बट ये देख के नाजी आर्मी की इतनी फटी कि वो लोग युद्ध की भूमि को ही छोड़ के भाग गए। वो कहते हैं ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, और बस यही कहावत यहाँ पर बिल्कुल सही फिट होती है। नंबर 6, प्रेगनेंसी से बचने की ढूंढ करके नया गर्भ निरोधक उपाय ढूंढ कर लाया हूं ताकि तुम इसका उपयोग कर सको। नॉर्थ अफ्रीका की लेडीज लोग यूज करती थी, जिसमें वो लोग कैमल के थूक को गन पाउडर में मिक्स करके पी जाते थे प्रेगनेंसी से बचने के लिए। अब ये उपाय कितना किफायती था ये तो नहीं पता, पर बंदियां ब्लास्ट जरूर हो जाती होंगी। एंड डेफिनेटली मजाक एक साइड पे, इस उपाय को बिल्कुल भी ट्राई मत करना, बिकॉज पुराने जमाने के नुस्खे यार, वो भी अफ्रीका के, बहुत ही डेंजरस हो सकते हैं। नंबर 7, ताज की सच्चाई। अब फ्रेंड्स, अगर मैं कहूं कि ताजमहल की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए उसका फेशियल किया जाता था तो ये सुनने में काफी अटपटा लगेगा, है ना। वेल, सच्चाई ये है कि ताजमहल के अंदर की दीवारों की सफेदी को बरकरार रखने के लिए पिछले कुछ सालों से इसके सफेद संगमरमर की दीवारों की घिसाई की जाती है और इस पर लाइम रिच क्ले का मड पैक लगाया जाता है, जैसे आप अपना फेस पैक लगाते हो, और फाइनली फिर इसकी धुलाई की जाती है जिससे इसकी सफेदी की चमकाहट बनी रह सके। और ऐसा करने का फैसला आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 2018 में लिया था। नंबर 8, 40 रुपया पेट्रोल। अब यारो, जहाँ पर आए दिन पेट्रोल 100 रुपीस लीटर के आसपास छूते रहता है, वही हैदराबाद के एक महाशय पेट्रोल सिर्फ 40 रुपया लीटर में बेच रहे हैं, मतलब सीधा 60% डिस्काउंट। रब, ऐसा मत सोचना कि इंडिया में पेट्रोल की कालाबाजारी चल रही है, क्योंकि सतीश कुमार जो हैदराबाद में इतने सस्ते भाव में पेट्रोल बेच रहा है, उनकी खुद की कंपनी है जो पेट्रोल बनाती है, और कोई ऐसा वैसा पॉल्यूशन करने वाला पेट्रोल नहीं, बल्कि वो तो वेस्ट मटेरियल प्लास्टिक से पेट्रोल बनाती है। और अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो इट इज पॉसिबल, प्लास्टिक पेट्रोलियम से बनता है, मतलब उसे फिर से फ्यूल में कन्वर्ट किया जा सकता है ना। और ये महाशय यही तो कर रहे हैं इनकी कंपनी हाइड्रोक्सी सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड में, जहां ये हर रोज प्लास्टिक से 200 लीटर पेट्रोल प्रोड्यूस करते हैं। इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया, राइट? प्लास्टिक की भी समस्या चली गई और पेट्रोल भी मिल गया, वो भी सस्ते में। उनका तो ये भी कहना है कि इस पेट्रोल को बनाने में कोई भी पॉल्यूशन नहीं है। एंड फ्रेंड्स, इससे इंस्पायर होके मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आप यूथ्स भी कुछ ऐसा ही दिमाग लगाओ जिससे इतनी वैल्यू मिले इस दुनिया को कि हम सभी आगे बढ़ सके और इंडिया का भी नाम रोशन हो सके। नंबर 9, ग्रैंडपा डोबरी। अब फ्रेंड्स, ये है आपके, मेरे और पूरे दुनिया के ग्रैंडपा डोबरी, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ इसीलिए भीख मांगने में गुजारी ताकि वो चैरिटेबल ट्रस्ट या फिर जरूरतमंदों को डोनेट कर सके। आई नो, इस बात पे कोई विश्वास नहीं करेगा। well, अगर आप भी मेरे पे विश्वास नहीं करोगे तो जाओ गूगल पे जाके चेक करो, इनका नाम सबसे पहला इन्फॉर्मेशन इनका विकिपीडिया में आ जाएगा, जिसमें साफ साफ लिखा है बल्गेरिया के रहने वाले ये दादाजी हर रोज अपने गांव से कुछ 20 किलोमीटर चल के कैथेड्रल ऑफ अलेक्जेंडर नेवस्की आते थे ताकि वो चर्चेस, ऑर्फनेजेस, चैरिटेबल ट्रस्ट, मॉनेस्ट्रीज के लिए पैसे जुटा सके। और अगर हम इनके डोनेशंस की बात करें तो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में, जो कि 104 सालों की थी, उसमें 4.5 लाख रुपए चर्चेस में डोनेट किए, 11 लाख रुपए मॉनेस्ट्रीज में डोनेट किया और 15.5 लाख कैथेड्रल ऑफ अलेक्जेंडर नेवस्की को डोनेट किया, और ये सब भीख मांग के। एंड फाइनली अपना नाम इतिहास में दर्ज कराकर 2018 में 104 साल की उम्र में वो दुनिया छोड़ गए। नंबर 10, ब्रेकिंग न्यूज। क्रिश 3 के ओरिजिनल विलन विवेक ओब्रॉय ने गरीब बच्चों के लिए 16 करोड़ के स्कॉलरशिप का अनाउंसमेंट किया है। जी हाँ, अनंत कुमार के i30 ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंतर्गत एक्टर विवेक ओब्रॉय ने 16 करोड़ की स्कॉलरशिप लॉन्च की है, जो स्पेशली छोटे गांव और शहरों के बच्चों के लिए ही है, जो टैलेंटेड तो है पर जेईई और नीट जैसे टफ और एक्सपेंसिव कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की ट्रेनिंग नहीं ले पाते, और इसीलिए इनके लिए विवेक छोटे गांव और शहरों में ट्रेनिंग सेंटर बनवाएंगे जिसमें बच्चों को बहुत कम फीस में बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की ट्रेनिंग मिलेगी। That's a Nobel deed. Number 11, first serial killer of history.
अब भालोग फाइनली हम आ गए हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर। मिलिए द ग्रेट 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 एचएच होम्स से। यही है वो देशी दरिंदा, आई मीन फर्स्ट रिकॉर्डेड सीरियल किलर ऑफ हिस्ट्री। वैसे तो ये दरिंदा अच्छे खासे पैसे वाले फैमिली को बिलोंग करता था और एक मेडिकल स्टूडेंट भी था, पर इसे पैसों की इतनी भूख थी कि इस बंदे ने पहले तो खुद का अच्छा खासा पैसा खड़ा किया और उस पैसे से एक पैलेस खरीदा जिसे आज लोग मर्डर कैसल के नाम से भी जानते हैं, और उसमें इसने सीक्रेट साउंड प्रूफ रूम्स, ट्रैप डोर्स, गैस रूम्स और शमशान्स भी बनाए ताकि यहाँ पर ये लोगों को गाड़ सके। और 1893 से इस जानवर का हैवानी काम शुरू हो गया जिसमें ये अमीर लेडीज को अपनी जाल में फंसा के उनसे एंगेजमेंट करता, उनकी सारी प्रॉपर्टीज खुद के नाम में करता और फिर वेट करता, और जैसे ही उसका मिशन सक्सेसफुल हो जाता जो भी मोहतरमा जाल में फंसी थी उन्हें बांध के, काट के या फिर गला घोट के मौत के घाट उतार देता था। पर 1894 में ये एक फ्रॉड इंश्योरेंस के केस में पकड़ा गया, जिसके बाद जब इसके घर की और तलाशी ली गई तब पता चला इन महाशय ने एक साल में 200 से भी ज्यादा औरतों को हमेशा हमेशा के लिए नींद सुला दी थी। एक साल में 200 से भी ज्यादा औरतें, ऐसा लगता है ये बंदे ने तो मौत की कंपनी खोल रखी थी। बस फिर इसके बाद क्या होना था, गवर्नमेंट ने इसे फांसी की सजा सुनाई और इसे हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया। सो फ्रेंड्स, अब बहुत सारे फैक्ट्स आपने जान लिए है, अब बारी आएगी मेरी आपको सवाल पूछने की। ऐसी कौन सी चीज है मुझे बताओ जिसे जितना खींचो उतनी छोटी हो जाती है, जितना खींचो उतनी छोटी होती जाएगी? इसका जवाब तो मुझे नीचे दोगे कमेंट सेक्शन में। और अगर ये सारे फैक्ट्स सुनकर मजा आया, इससे कुछ नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। नए हो इस चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो की अपडेट आप कभी भी मिस ना कर सको। विद दैट सेड फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।